यस एग्जांपल नंबर 3.9, टू पैरेलल रेल ट्रैक्स रन नॉर्थ साउथ. ठीक है, तो एक रेल ट्रैक बना देते हैं, ये एक रेल ट्रैक है, ठीक है, और ये दूसरी रेल ट्रैक, या सच दैट ट्रेन जो है वो ऑपोजिट डिरेक्शन में सेम डिरेक्शन में साइमल्टेनियसली जा सकती है. ठीक है, दिस इज वन ऑफ द ट्रैक. ये दूसरा रेल ट्रैक है, ठीक है, दे आर रनिंग नॉर्थ साउथ, यानी ऊपर की डिरेक्शन में है नॉर्थ, यहां पे नॉर्थ, तो यहां पे भी नॉर्थ ही होगा, नॉर्थ और यहां पे साउथ, दो रेल ट्रैक्स है. ट्रेन ए मूव्स नॉर्थ, ध्यान देना, ट्रेन ए मूव्स नॉर्थ विद द स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर. ट्रेन ए नॉर्थ की डिरेक्शन में जा रही है, तो मान लो ये ट्रेन ए है, ठीक है, दिस इज ट्रेन ए, और ट्रेन ए कौन सी डिरेक्शन में जा रही है, दिस ट्रेन इज मूविंग अलोंग नॉर्थ डायरेक्शन. ठीक है, ये नॉर्थ की डिरेक्शन में जा रही है विद स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर. मैं लिख देता हूं यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ ए. अब देखो यहाँ पे इसको मैं मान लेता हूं एक्स एक्सिस, ऊपर की तरफ मैं प्लस एक्स मान लेता हूँ, नीचे की तरफ माइनस एक्स मान लेता हूँ. ठीक है, हमारा कुछ जाएगा नहीं ऐसा मानने में, ऊपर की तरफ क्या ले लेते हैं, प्लस एक्स, नीचे की तरफ माइनस एक्स. तो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए कौन सी डायरेक्शन में, प्लस एक्स डायरेक्शन में, मैं लिखूंगा वेलोसिटी ऑफ ए इज इक्वल टू प्लस ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर, बिकॉज वो नॉर्थ की डायरेक्शन में जा रही है और नॉर्थ में हम लोगों ने लिया हुआ है प्लस एक्स डायरेक्शन. तो वेलोसिटी ऑफ ए कितना होगा मीटर पर सेकेंड में, 54 इंटू 5 बाय 18, ये हो जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड. दिस इज वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए, यहां तक समझ में आ गया, पॉजिटिव क्यू लिया, अब देखो दूसरी ट्रेन जो है ट्रेन बी इज मूविंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. ठीक है, साउथ की तरफ जाए, देखो लिखा हुआ है बी मूव्स साउथ विद स्पीड ऑफ 90, तो ये जो है वो साउथ डिरेक्शन में जा रही है, तो दोनों ट्रेन ऑपोजिट डिरेक्शन में, ये ऊपर जा रही है, ऐसे आ रही है. ठीक है, सो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी इज इक्वल टू, अब देखो ये जा रही है नीचे की डिरेक्शन में, इसलिए वो नेगेटिव एक्स डिरेक्शन में जा रही है साउथ की तरफ, इसीलिए मैं लिखूंगा माइनस 90 किलोमीटर पर आवर. कुछ डाउट हो तो अभी पूछ लेना, माइनस क्यों लिया समझ में आ रहा है ना, बिकॉज वो नेगेटिव एक्स डिरेक्शन की तरफ जा रही है. तो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी विल बी माइनस 90 इंटू 5 बाय 18, देयरफॉर वी बी विल बिकम माइनस 25 मीटर पर सेकेंड. कोई डाउट है किसी को यहां तक, इक्वेशन वन, यह इक्वेशन टू. चलो पहला क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन इज वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, ध्यान देना क्या पूछा हुआ है, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, बताओ क्या लेंगे, वी बी माइनस वी ए लेना है या वी ए माइनस वी बी लेना है, इक्वेशन वन या इक्वेशन टू क्या लेंगे, यस मानिए सही है, योर आंसर इज ऑल्सो करेक्ट. चलो भाई सभी का आंसर सही है, गुड. तो ये हो जाएगा वी बी माइनस वी ए, दैट विल गिव वी बी यानी माइनस 25 माइनस वी ए यानी 15, दैट विल गिव माइनस 40 मीटर पर सेकेंड. कुछ लोगों का आंसर आ भी गया था,
वेरी गुड, ये था पार्ट ए। पार्ट बी देखते हैं, वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू बी। तो वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू बी, यानी क्या लेंगे, वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड कितना होता है, यस इट इज स्टेशनरी, या फिर लिख देंगे जीरो। माइनस वेलोसिटी ऑफ बी कितना है, इट इज माइनस 25, तो आंसर हो जाएगा प्लस 25 मीटर पर सेकेंड। आया समझ में? ठीक है, तो पहले ये लिख लो, उसके बाद में इसका सी पार्ट कराता हूं, जल्दी करना जरा। ओके, यस, सो नाउ वी वांट टू फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ मंकी रनिंग ऑन द रूफ ऑफ ट्रेन ए अगेंस्ट इट्स मोशन विद रिस्पेक्ट टू पर्सन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड। ओके, फिर से यहाँ पे दिस इज अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे जो इंसान खड़ा है उससे मंकी की वेलोसिटी कितनी लगेगी जो रूफ विच इज रनिंग ऑन द रूफ ऑफ ट्रेन ए विद द स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे बी का कुछ काम नहीं है, बी का कुछ काम नहीं है, इसलिए मैं बी को हटा देता हूं। इज माई वॉइस क्लियर नाउ? अभी ठीक से आवाज आ रहा है? ध्यान देना, मैं अभी मंकी की वेलोसिटी लिख रहा हूं। वेलोसिटी ऑफ मंकी वी एम इज इक्वल टू, देखो मंकी कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, ये डायरेक्शन में, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, देखो वेलोसिटी ऑफ मंकी इज 18 किलोमीटर पर आवर विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए। ठीक है, ट्रेन ए के विद रिस्पेक्ट टू मंकी की वेलोसिटी दी है हमको 18 किलोमीटर पर आवर, तो मैं यहां पे लिखूंगा वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए इज 18 किलोमीटर पर आवर, यानी 18 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 5 मीटर पर सेकेंड। यहां तक समझ में आया? मंकी वाला जो केस है उसमें पहला स्टेप है ये फाइंड करना, वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए। यस, मंकी वाला केस रिपीट करता हूं, क्या फाइंड करना है वो तो यहां पे लिखा हुआ ही है, velocity of monkey running on the roof of train A against its motion, जो speed दिया हुआ है 18 किलोमीटर पर आवर with respect to train A, train A के with respect to वो 18 की speed से जा रहा है, as observed by the man standing on the ground, ground पे खड़ा हो उसको monkey की speed कितनी लगेगी ये find करना है, यानी find क्या करना है, velocity of monkey with respect to ground कितना होगा ये हमको find करना है। To find out velocity of monkey with respect to ground. Okay. तो देखो और एक बात, ये जो 18 किलोमीटर पर आवर है वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए इज अलोंग नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, मैं पे माइनस लिख देता हूं बिकॉज मंकी तो ट्रेन ए से ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, इसलिए वो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ जा रहा है, होगा माइनस 5। और VMG फाइंड करना है हमको, वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो पहले ये वाला केस पकड़ते हैं, VMA है माइनस 5 मीटर पर सेकेंड, देयरफॉर वेलोसिटी ऑफ मंकी माइनस वेलोसिटी ऑफ A कितना होगा, माइनस 5 मीटर पर सेकेंड, देयरफॉर वेलोसिटी ऑफ मंकी माइनस वेलोसिटी ऑफ A कितना है, इट इज 15 इक्वल टू माइनस 5 मीटर पर सेकेंड,
therefore velocity of monkey kitna ho jayega, will become 15 minus 5, therefore velocity of monkey will become 10 meter per second. ये मंकी का वेलोसिटी आ गया. अब मंकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फाइंड करना हो तो वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड विल बी वीएम माइनस वीजी, दैट विल गिव 10 माइनस ग्राउंड का वेलोसिटी जीरो होता है, आंसर हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड. दैट इज अवर फाइनल आंसर.